राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को जया एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह जया एकादशी माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को, वह एकादशी जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर एकादशी का एक अपना नाम है और उस नाम के अनुसार उस एकादशी का अपना एक बड़ा ही विशेष महत्व है। जया एकादशी नाम ही बहुत ही सुंदर है। जया अर्थात जय होना। कहा जाता है कि जो कोई भी इस जया एकादशी के व्रत को धारण करता है उसके घर में भूत पिशाच कोई भी निगेटिव चीज नहीं आता है और उसके जीवन में तरक्की निश्चित है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इस एकादशी को भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भीष्म जी ने युधिष्ठिर जी को ज्ञान दिया था। ज्ञान पाने के कारण इस एकादशी को भीष्म एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी व्रत को व्रतों का राजा कहा जाता है। वह इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो कोई भी एकादशी के व्रत को धारण करता है, नियमों का पालन करता है, उस पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। वह व्यक्ति इस पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोगकर मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आइए जया एकादशी की कथा को बड़े ही भक्ति भाव से सुनते हैं। कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य ही लिखते हैं। बड़े ही प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कथा। एक बार युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया है, अब कृपा करके यह बतलाइए कि शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसकी विधि क्या है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजेंद्र बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया है। वह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली है तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप तथा पिशाचत्व का विनाश भी करती है। इस व्रत को करने पर मनुष्यों को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। इसलिए राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदनवन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार मन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र, ये तीन प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित थे। ये दोनों भी इंद्र के संतोष के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो जाता, कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझ करके कुपित हो गए। अतः इन दोनों को शाप देते हुए बोले, अरे मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो, मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम दोनों पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर दोनों के मन में बड़ा ही दुख हुआ। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर भयंकर दुख भोगने लगे।
शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है, अतः पूर्ण प्रयत्न करके पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंतामग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। देव योग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से विख्यात तिथि जो सब तिथियों में उत्तम है आई। उस दिन दोनों ने सब प्रकार के आहार का त्याग कर दिया, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के समीप बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उनके प्राण लेने वाली भयंकर रात उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई, वे रति या कोई भी सुख नहीं पा सके। सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों की पिशाचता दूर हो गई। पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में वही पुराना स्नेह उमर पड़ा था। उनके शरीर पर पहले ही जैसे अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्रदेव को बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पिशाचत्व दूर हुआ? तुम मेरे शाप को प्राप्त कर चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया? माल्यवान बोला, स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नामक एकादशी के व्रत से हमारी पिशाचता दूर हो गई। तब इंद्र देवता ने कहा कि तो अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृपश्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर कर देने वाली है। जिसने जया का व्रत धारण किया उसने सब प्रकार के दान दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म के पढ़ने और सुनने से अग्निष्ठ होम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को केवल भूत प्रेत आदि योनियों से नहीं बल्कि जन्म जन्मांतरों के संचित दोष तथा ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। पूजा का विधान थोड़ा सा जान लेते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पुष्प जल अक्षत रोली तथा विशिष्ट सुगंधित पदार्थों से पूजा करनी चाहिए। भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस दिन मनुष्य को यथाशक्ति दान भी करना चाहिए। आइए अब दूसरी कथा को सुनते हैं। आइए प्रेम पूर्वक इस कथा को सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बार इंद्र देवता की सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व गीत गा रहा था, परंतु उसका मन अपनी नव यौवना पत्नी पर पड़ा हुआ था। इस कारण गाते समय उसकी लय ताल बिगड़ गई। इंद्र देवता कुपित हो गए और कुपित होकर के उस माल्यवान नामक गंधर्व को श्राप दे दिया कि तू जिसकी याद में मस्त है वह राक्षसी हो जाए। वह अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इंद्र देवता से क्षमा मांगने लगा और कहा कि आप अपना श्राप वापस ले लें, परंतु इंद्र ने उसे सभा से बाहर निकलवा दिया। घर आने पर उसने देखा कि वास्तव में उसकी पत्नी राक्षसी बन चुकी थी। श्राप के निवारण के लिए उसने अनेक यत्न किए, परंतु सब निसफल रहे। एक दिन अचानक उस माल्यवान नामक गंधर्व को ऋषि नारद से मुलाकात हो गई।
नारद जी ने माल्यवान से दुख का कारण पूछा। गंधर्व ने सारी बातें बता दी। नारद जी बड़े ही दयालु स्वभाव के उन्होंने कहा कि तुम जाओ और इस श्राप से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तुम माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के व्रत को धारण करो और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारी पत्नी पिशाच देह से छूट जाएगी और पुनः अत्यंत सौंदर्यशालिनी हो जाएगी। नारद जी की आज्ञा से उस गंधर्व ने माघ मास शुक्ल पक्ष की जया एकादशी व्रत को धारण किया और इस व्रत के प्रभाव से उसकी पत्नी पुनः अपने रूप में आ गई और अत्यंत सौंदर्यशालिनी हो गई, बहुत ही रूपवती हो गई। तब से वह माल्यवान नामक गंधर्व एकादशी व्रत को धारण करने लगा और वह समझ गया यह एकादशी व्रत बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्रभावशाली है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है जो कोई भी एकादशी व्रत को धारण करता है। वह नारद जी की जय जयकार करने लगा और श्री हरि विष्णु के पूजा को करने लगा, बड़े मन से भक्ति भाव से पूजा करने लगा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी देवताओं की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो, सभी दृश्य ऋषियों की जय हो, सभी अदृश्य ऋषियों की जय हो। आशा करती हूँ कि जया एकादशी की यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य ही लिख दीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।